नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों आज बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रमुख है। वैसे तो पूरे भारत देश में 207 से भी ज़्यादा बंदरगाह हैं, लेकिन जो प्रमुख और इंटरनेशनल बंदरगाह हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह के बारे में। दोस्तों पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह, सबसे पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, दूसरा है बम्बई बंदरगाह है, तीसरा है नेहावा सूबा बंदरगाह और चौथा है मरवा गांव बंदरगाह, पाँचवा न्यू मंगलूर बंदरगाह, छठवा कोची बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। दोस्तों टोटल इंटरनेशनल बंदरगाहों की संख्या 13 है। दोस्तों 13 ही बंदरगाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे कि 6 पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह की संख्या कितनी है, तो वह 6 मानी जाती है जो कि इंटरनेशनल है। इसके बाद पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में बात करें तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, पहला बंदरगाह माना जाता है कोलकाता, लेकिन नंबर के कौन सा 7वां नंबर का। इसके बाद 8वां बंदरगाह है अपना हल्दिया बंदरगाह और 9वां है पारादीप बंदरगाह, 10वां है विशाखापट्टनम बंदरगाह और 11वां है एन्नोर बंदरगाह, 12वां तूतीकोरन बंदरगाह और 13वां है चेन्नई बंदरगाह। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं भारत के किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है। तो इसके साथ यह दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा प्रायद्वीपी भारत का नक्शा है। दोस्तों बंदरगाह की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने पूरा भारत का नक्शा नहीं बना, ओनली प्रायद्वीपी भारत का नक्शा बनाया है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, तो यानी 9 राज्यों में ही बंदरगाहें होंगी और जिसमें समुद्र सीमा नहीं लगती वहाँ बंदरगाह होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये अल्फ़ाबेट दिए हैं, यह राज्य के नाम है। यहाँ पर जैसे ये जी दिया है ये दोस्तों यहाँ पर गुजरात, एम है यहाँ पर महाराष्ट्र, जी से गोवा, के से यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक, इस के से हो जाएगा दोस्तों केरल, टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, यू से उड़ीसा और PW से पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप बात करें सबसे पहले गुजरात के बारे में, जी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। जी हाँ दोस्तों गुजरात में है कांडला बंदरगाह। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, कौन कौन से, पहला तो है दोस्तों बम्बई बंदरगाह और दूसरा है नेहावा सोवा बंदरगाह। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक बम्बई बंदरगाह और दूसरा है नेहावा सूबा बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोवा की, तो गोवा में 1 बंदरगाह है, कौन सा, मरवा गांव बंदरगाह। गोवा में 1 है केवल, मरवा गांव बंदरगाह। इसके बाद दोस्तों अगला राज्य कर्नाटक, कर्नाटक का 1 बंदरगाह है न्यू मंगलूर बंदरगाह, कौन सा दोस्तों, न्यू मंगलूर बंदरगाह। इसके बाद दोस्तों बात आती केरल की, केरल में भी 1 बंदरगाह है, कौन सा, केरल की बंदरगाह का नाम है दोस्तों कोची बंदरगाह। दोस्तों यह रहे 6 के 6 बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित हैं। दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की संख्या 6 है जो कि इंटरनेशनल है और आपके सामने रहे, आप राज्य बाई राज्य आप याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में पहला है कोलकाता बंदरगाह, कौन सा दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह, और यहाँ पर एक और है हल्दिया बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, एक कोलकाता और दूसरा है हल्दिया बंदरगाह। इसके बाद अगला राज्य उड़ीसा, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में 1 बंदरगाह है, कौन सा, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी कौन सा, एक ही बंदरगाह है, इसका नाम है विशाखापट्टनम, कौन सा, विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं जिनको इंटरनेशनल दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों पहला कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह है, और इसके बाद दूसरा है तूतीकोरन बंदरगाह और
तीसरा है चेन्नई बंदरगाह। तो दोस्तों यह रहे प्रमुख 13 बंदरगाह जो कि इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त बंदरगाह हैं। तो दोस्तों आप ये आसानी से देख सकते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह हैं जो कि इंटरनेशनल है, और पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। दोस्तों टोटल दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 13 बंदरगाह। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन डिटेल से एक एक बंदरगाह के बारे में। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले बंदरगाह लिया गया था कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इसके बाद यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। दोस्तों यहाँ पर ज्वारीय उठती है जो कि भारत की सबसे ऊंची ज्वार यहाँ पर उठती है, या ज्वारभाटा भी आप बोल सकते हैं। आप ज्वारभाटा के बारे में जानते हैं इसलिए इसे जो एक ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। दोस्तों इस बंदरगाह को मुक्त बाजार क्षेत्र घोषित किया गया है। इस पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगता इसलिए यहाँ मुक्त बाजार क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी के CM रहते समय किया गया था। इसके बाद दोस्तों इस कांडला बंदरगाह का नया नाम बदला गया है, इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। दोस्तों पुराना नाम है कांडला बंदरगाह और इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों प्रमुख बात है यहाँ पर इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, और इसके बाद मुक्त बाजार क्षेत्र, और इसके और एक ज्वारीय बंदरगाह, यह प्रमुख इसके पॉइंट हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरा बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद दूसरा बंदरगाह है बम्बई बंदरगाह। बम्बई बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर तट पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का कौन सा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा व्यस्त भी है यही बंदरगाह। कौन सा, मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। इसके बाद इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन मुंबई बंदरगाह को। इसकी बात करते हैं अगले बंदरगाह की, तो अगला है तीसरा नेहावा शोभा बंदरगाह। दोस्तों नेहावा शोभा बंदरगाह की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र राज्य के अरब सागर के तट पर स्थित है। और दोस्तों यह बंदरगाह पूर्णतः या सर्वाधिक आधुनिक एवं पूर्णतः मशीनीकृत है। दोस्तों यह अभी बना है यानी कि सबसे नया बंदरगाह है, तो यह सब सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह है और पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह। यहाँ पर सभी कार्य मशीनों द्वारा होता है। और दोस्तों यह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए बनाया गया था। मुंबई बंदरगाह अधिक से अधिक जहाज आने लगी थी इसलिए वहाँ की व्यस्तता कम करने के लिए नेहावा शोभा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। दोस्तों नेहावा शोभा का नाम भी बदला गया है, इसका नाम बदल कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों एक तो कांडला बंदरगाह का नाम बदला है, कांडला बंदरगाह का नाम है, नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और नेहावा शोभा का है जवाहरलाल नेहरू, आप दोनों याद रखिएगा। इसके बाद चौथे बंदरगाह की बात करें तो चौथा बंदरगाह है मरवा गांव बंदरगाह, यह चौथा है। दोस्तों यह बंदरगाह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहां पर दोस्तों, यह गोवा राज्य में है। दोस्तों यह बंदरगाह टूरिज्म या पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर सर्वाधिक गोवा राज्य पूरा ही टूरिज्म राज्य है, इसलिए यह बंदरगाह भी टूरिज्म की दृष्टि से पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर सभी लोग देखने जाते हैं इस बंदरगाह को, इसलिए यह पर्यटक की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं पांचवा बंदरगाह है अपना न्यू मंगलोर बंदरगाह है। दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में
अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ पे होते हैं? सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। कॉफी उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और इसका निर्यात भी न्यू मंगलूर बंदरगाह से किया जाता है, न्यू मंगलूर बंदरगाह से किया जाता है। और इसी कारण से इस बंदरगाह को, यानी कि न्यू मंगलूर बंदरगाह को, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। दोस्तों यह बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा न्यू मंगलूर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों यह भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन भी कर्नाटक राज्य करता है, भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन भी कर्नाटक राज्य करता है। और इसका निर्यात भी कहाँ से? न्यू मंगलोर से होता है। कहाँ से? न्यू मंगलोर से होता है। इसलिए न्यू मंगलोर बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है याद रखिएगा? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद छठवें की बात करें तो छठवां बंदरगाह है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह है दोस्ती, कोची बंदरगाह, यह बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों कोची बंदरगाह से सर्वाधिक मसालों का निर्यात किया जाता है। कहाँ? सर्वाधिक मसालों का निर्यात किया जाता है कोची बंदरगाह से। दोस्तों मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य केरल है, इसलिए यहाँ से सर्वाधिक मसालों का निर्यात किया जाता है। और दोस्तों यह बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता केंद्र भी है, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता केंद्र भी है कोची बंदरगाह। दोस्तों यह छह बंदरगाह रहे पूर्वी तट के बंदरगाह, सॉरी दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह है, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सातवें नंबर से लग जाते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो चलते हैं और सातवें नंबर की बात करते हैं। सातवें नंबर का बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दोस्तों यह पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बम्बई बंदरगाह। और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। आप यह याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होना कि भारत का सबसे बड़ा है बम्बई बंदरगाह और पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता बंदरगाह। इसके बाद आठवें की बात करें दोस्तों, आठवां भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों हल्दिया बंदरगाह यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि पूर्वी तट पर इसके बाद यह बंदरगाह का निर्माण कोलकाता बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए किया गया था। देखिए दोस्तों, मुंबई बंदरगाह भी व्यस्त, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता था, और इसलिए उसका व्यस्तता को कम करने के लिए कौन सा निर्माण किया गया था? मुंबई को नेहाबा सूबा किया गया था। और इस कोलकाता की हेल्प के लिए किया गया है हल्दिया बंदरगाह, याद रखिएगा आप। इसके बाद नौवां बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह, यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है दोस्तों झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक होता है, उसके बाद होता है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद होता है उड़ीसा राज्य में। यह तीनों राज्य में ही कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक होता है झारखंड राज्य में। दोस्तों यह इसका निर्यात कहाँ से? पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। इन कोयले का निर्यात पारादीप बंदरगाह से किया जाता है, और इसी कारण से पारादीप बंदरगाह को कोलपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कोलपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कोलपोर्ट बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो
पारादीप बंदरगाह को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले बंदरगाह की, तो अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों यह बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। दोस्तों इसके इस बंदरगाह से सर्वाधिक स्टील इस्पात का निर्यात किया जाता है। इसमें स्टील और स्टील इस्पात का निर्यात किया जाता है। दोस्तों यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह सर्वाधिक या भारत के सर्वाधिक सभी बंदरगाह में से यह बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, सबसे गहरा। और दोस्तों सबसे बड़ा है बम्बई बंदरगाह, और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता, और सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं अगले बंदरगाह की, तो अगला है 11वें नंबर का एन्नूर बंदरगाह। इसके बाद एन्नूर की बात करें दोस्तों, यह तमिलनाडु राज्य की बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दोस्तों यह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसका निजीकरण या प्राइवेटीकरण किया गया है। दोस्तों इसको प्राइवेट में ठेका मेका दे दिया जाता है, उस टाइप का यह इसमें प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि निजीकरण किया गया है। यह पहला बंदरगाह है और एकमात्र बंदरगाह है यह, जिसका नाम एन्नूर बंदरगाह है, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बात करते हैं अगले बंदरगाह की, तो अगला बंदरगाह है तूतीकोरन बंदरगाह। कौन से दोस्तों? तूतीकोरन बंदरगाह। दोस्तों यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? यह भी तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और दोस्तों यह बंदरगाह भारत का सर्वाधिक उथला बंदरगाह है। कौन सा? भारत का सर्वाधिक उथला बंदरगाह है तूतीकोरन बंदरगाह। इसके बाद दोस्तों एक और 13वां बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों यही रहे 13 महत्वपूर्ण भारतीय बंदरगाह। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों यदि इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय।